लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन हम लोग देखे थे, जहां पे दो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा होता है और एक के रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे को देखते हैं। अब जो है सो इस दूसरे सिनेरियो को सपोज करो, कोई एक ट्रक है और उस ट्रक पर एक आदमी खड़ा है और तुम उसको ग्राउंड पर से देख रहे हैं। अगर ये आदमी रुका हुआ होगा और ट्रक वी वेलोसिटी से जा रहा है, यानी आदमी इस ट्रक पे खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, पर ये ट्रक वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो तुमको ये आदमी किस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा? वी वेलोसिटी से जिधर की तरफ ट्रक जा रहा है उधर की तरफ। वही अगर ये ट्रक रुका हो और आदमी जो है सो ट्रक के रिस्पेक्ट में यू वेक्टर से मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी वेक्टर यू से मूव कर रहा है, ट्रक रुका हुआ है, तब तुमको आदमी किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा? यू से। अगर दोनों साथ साथ हो रहा है कि ट्रक वी वेलोसिटी से जा रहा है, आदमी यू वेलोसिटी से जा रहा है ट्रक के रिस्पेक्ट में, और तुम यहां से देख रहे हो, तो तुमको आदमी किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा? यू प्लस वी वेलोसिटी से। तो ये जो दोनों वेलोसिटी है, ट्रक का वेलोसिटी और आदमी का ट्रक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, इस दोनों का जो सुपरपोजिशन होगा, दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलेगा, वो इस आदमी का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो होगा जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब जो वेलोसिटी हम लोगों को मिलता है वो दोनों वेलोसिटी का सुपरपोजिशन या कह लो दोनों वेलोसिटी का सम मिलता है। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग देखे थे सम नहीं मिलता, वहां डिफरेंस मिलता है, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसके वेलोसिटी को घटाना होता है। पर यहां पे जो मूव कर रहा है और उसके ऊपर मूव कर रहा है, दोनों के वेलोसिटी को सिंपली ऐड हम लोग कहते हैं, वेक्टरली ऐड करने पे हम लोगों को इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट है, जिसमें सबसे कॉमन रिवर बोट प्रॉब्लम है कि वहां पे पानी होगा और पानी मूव कर रहा है। इससे पहले हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में बनाया है, जब बोट का डायरेक्शन वाटर के डायरेक्शन या उसके अपोजिट होता था, तो देख सकते हो वहां भी सेम चीज होता था, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी हम लोग ऐड कर दे रहे थे, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था तो वेलोसिटी घटा दे रहे थे। पर अब होगा ये, इसका वेलोसिटी वाटर के डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है, ये किसी और डायरेक्शन में हो सकता है। तो बोट जो है सो वाटर के रिस्पेक्ट में मान लो इधर की तरफ जा रहा है और वाटर इधर की तरफ जा रहा है, तब यहां से हम देखेंगे या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट किधर की तरफ जाता दिखेगा? दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उधर की तरफ। बात समझ गए? अब जो है सो रेस्ट ऑफ द थीम जो टू डायमेंशन मोशन का है वो यहां भी होल्ड करेगा, कि जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन है उसको वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिस डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, हम टाइम निकाल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में टाइम इक्वल होगा, जितना देर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है उतना ही देर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में तुमको डिस्प्लेसमेंट पता है उस डायरेक्शन के मोशन से तुम टाइम निकाल सकते हो, और उस टाइम को दूसरे वाले डायरेक्शन में रख दोगे तो दूसरे डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक थीम वही रहना है, बस ये तुमको ध्यान में रखना है कि दोनों को सुपर इम्पोज करा देते हैं, जो वाटर का वेलोसिटी है और जो बोट का वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, दोनों का सम बोट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होगा, तो मान लो रिवर है और इसको हम लोग मान लेते हैं 500 मीटर वाइड है। ठीक है, और इसमें वाटर जो है ऐसे कि 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तुम बोट को वाटर के परपेंडिकुलर मूव करा रहे हो, तो बोट का जो वेलोसिटी है वाटर के रेस्पेक्ट में वो वाटर के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और ये मान लेते हैं हम लोग 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तुमको बता दो बोट को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 125 सेकेंड, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बोट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 500 मीटर है, तो 500 मीटर को 4 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर दोगे 125 सेकेंड आ जाएगा, उतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। ये समझ में आया? जब बोट इस पे चल रहा होगा तो बोट का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा? ग्राउंड से देखेंगे तो बोट का स्पीड क्या दिखेगा?
5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बोट खुद 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा होगा और नदी जो है उसको 3 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ धकेलेगा। तो जो है सो जो रिजल्टेंट दोनों का होगा सो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। इसे में आया, अब बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर की तरफ आ रहा है तो बोट इधर नहीं जाएगा, बोट इधर की तरफ जाएगा और तब फाइनली यहां पे पहुंचेगा। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसके ठीक अपोजिट बैंक से जहां पहुंच रहा है उसका जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट मतलब समझते हो, ड्रिफ्ट मतलब होता है खसकना। तो हॉरिजॉन्टली जितना दूर चला गया है उस डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो बता दो इस केस में हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा, 375 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है और जो टाइम लगा था क्रॉस करने में वो हम लोग निकाल चुके 125 सेकेंड है। तो 125 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड के रेट से कितना दूर जाएगा, तो 375 मीटर जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 375 मीटर हो जाएगा और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 625, क्योंकि टाइम उसको 125 सेकेंड लग रहा है और बोट 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो 125 को 5 से गुणा कर लेंगे हम लोगों को बोट का डिस्टेंस मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो 625 मीटर जाएगा बोट, सिंपल है। इन सारे चीजों को तुम फॉर्मली अगर लिखना चाहते हो तो तुम लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ वाटर ये जो है सो 3 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ है, तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस ले ले, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले ले, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3i कैप। समझ में आ रहा है? और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये 4j कैप है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा, सो वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। अब हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है, उससे टाइम निकल आया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, वहां से हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा और इस स्पीड को टाइम से गुणा कर देंगे हम लोगों को डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। आइडिया समझ गए? तो सपोज करो एक रिवर है जो से कि 1000 मीटर वाइड है, एक बोट रिवर से कि 60 डिग्री एंगल पे से कि 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो वाटर के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी स्ट्रीम के डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पे है और 4 मीटर पर सेकेंड है। वाटर इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तुमको बताना है नंबर 1 कि टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। पहले जो है तो उस वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। तो इसके वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 cos 60 डिग्री आ जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट 2√3 मीटर पर सेकेंड, 4 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब नदी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो इस वेलोसिटी के कारण इसके वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है सो नदी बढ़ा देगा 2 से, और तब बोट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो बोट का वर्टिकल वेलोसिटी 2√3 मीटर पर सेकेंड है, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोगों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा सो बताना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर है और वेलोसिटी 2√3 मीटर पर सेकेंड है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे हम लोग को टाइम मिल जाएगा। तो टाइम आ जाएगा 100 1000 डिवाइडेड बाय 2√3, ये हो जाएगा
500 डिवाइडेड बाय रूट 3 सेकेंड, ठीक है। अब जिस ड्रिफ्ट का बात किया जा रहा है वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा सो है, तो हम लोग को टाइम ऑफ मोशन पता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है, तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से गुना कर देंगे हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 500 बाय रूट 3 इनटू 4 2000 डिवाइडेड बाय रूट 3 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालने में तुम दो तरह का काम कर सकते हो, एक तो तुमको पता चल गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में 1000 मीटर गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2000 बाय रूट 3 मीटर गया है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकाल लो, या तुम कर सकते हो कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड है, वर्टिकल कंपोनेंट 2√3 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, या रिजल्टेंट नहीं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका स्पीड कितना है, और उस स्पीड को जो टाइम लग रहा है 500 बाय रूट 3 सेकेंड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग को टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, तो दोनों में जो कर लो, हमको ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें छोटा छोटा नंबर पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, उसमें बड़ा बड़ा नंबर पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो यहां पर जो है इसका रिजल्टेंट आ जाएगा या इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16 प्लस 12 का रूट, ये हो जाएगा रूट अंडर 28 या 2√7, तो इसका जो स्पीड है वो 2√7 मीटर पर सेकेंड है, और इस स्पीड से 500 बाई रूट 3 सेकेंड मूव किया है, तो जो डिस्टेंस आएगा सो 1000 इंटू रूट अंडर 7 बाई 3 मीटर होगा, ये समझ गए। सपोज को रिवर इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बोट जो है सो रिवर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उससे 30 डिग्री एंगल बनाकर पीछे की तरफ 30 डिग्री एंगल बना के से कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और रिवर का विड्थ मान लेते हैं 2 किलोमीटर, तो अब बता दो नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा और बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब बोट के वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, तो इसके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5√3 जो भी है j कैप, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 10 sin 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ, और अब इसको नदी आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से धकेलेगा, तो इसका वेलोसिटी पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड बचेगा, 5 से पीछे जा रहा था और 4 से नदी इसको आगे धकेल रहा था, एज ए रिजल्ट ये 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जा रहा होगा, ये समझ में आया। अब जो है सो टाइम निकालना है, तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 2000 मीटर है और वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 400 बाई रूट 3 सेकेंड, ठीक है। अब ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम ऑफ मोशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन चूंकि वेलोसिटी पीछे की तरफ है तो अब जो ड्रिफ्ट होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और टाइम को हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 400 बाई रूट 3 मीटर, ये समझ गए। और डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग इसका स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड आ जाएगा और रूट अंडर इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 75 प्लस इसका स्क्वायर 1, ये आ जाएगा रूट अंडर 76, और इसको हम लोग टाइम से गुना कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा सो हो जाएगा 400 बाय रूट 3 इंटू रूट अंडर 76। तो सपोज करो एक रिवर है जिसका विड्थ से की डी है
और वाटर यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बोट को हम लोग स्ट्रीम के वेलोसिटी से थीटा एंगल पर रखे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी है, ठीक है। तो अब हमको जल्दी से बता दो टाइम कितना होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा और टोटल डिस्टेंस क्या होगा। इस वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगा, v cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा। ये समझ में आ रहा है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नाव खुद v cos थीटा से जा रहा था और नदी उसको u से धकेल रहा था, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो u प्लस v cos थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी v sin थीटा का v sin थीटा रहेगा, ठीक है। अब टाइम निकालना है तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा t डिवाइडेड बाय v sin थीटा, ठीक है। ड्रिफ्ट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से गुणा करेंगे, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u + v cos थीटा है, तो u + v cos थीटा को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्रिफ्ट आ जाएगा u प्लस वी कॉस थीटा इंटू डी बाई वी साइन थीटा। तुमको मन करे तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, तो ये u कॉसेक थीटा प्लस वी कॉट थीटा चला आएगा, डिवाइडेड इंटू डी बाई वी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब खैर मैथमेटिक्स है, तुम यहां तक लिख लिए फिजिक्स का काम हो चुका है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इसका स्पीड चाहिए, स्पीड को टाइम डी बाई वी साइन थीटा से गुणा कर लेंगे, ठीक है। स्पीड के लिए तुम इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, या तुम ये कह सकते हो कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यू है, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो दोनों के सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये हम लोग वेक्टर चैप्टर में देखे थे रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू यू वी कॉस थीटा, ये जो है उसका स्पीड हो जाएगा। तो तुम इस स्पीड को टाइम से गुणा कर लो तो डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई वी साइन थीटा इंटू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू यू वी कॉस थीटा। समझ में आया, आसान है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।